पंछी चला गया, यहाँ था, मैंने ऐसे किया और सीधा आग में चला गया। ये हमारी मैम मुझे रोका और मुझे रोक के कहा कि कुछ काम था, मुझे लगा कुछ इंपॉर्टेंट काम हुआ, कह रही चला रेस करे, मैं स्कूटी लाया तो बियर्ड आ गई तेरी, तुझसे कटा क्यों नहीं रहा, दिखा दो इतनी बड़ी हो गई है बियर्ड तेरी, इसे कटा दो ले। हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कहा था ना मैंने छोटे ब्लॉग के साथ साथ बड़े ब्लॉग भी डालता रहूंगा। ये देखो गाड़ी की कंडीशन, धूल चेक मारो, आज से तुम्हारे भाई ने शू भी पॉलिश कर लिया अपने, लग नहीं रहे ना पर कर लिए यार। और ये देखो पत्ता कहाँ चिपका हुआ है, तो थोड़ी सी और साफ कर लो, क्योंकि सामने जो रहती है ना धूप आती है बहुत ज्यादा, तो उस वजह से थोड़ी सी क्लीन कर लो। अब गाड़ी हो गई है हॉट गरम और निकलते हैं कॉलेज के लिए। और टाइम चेक मारो तुम, 9:30। अबे 9:30, 8:30 हो रहे होंगे, अभी मैंने ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं किया, मैं सोच रहा 2 क्लास छूट गई एक क्लास के धोखे में। निकलते हैं यार, वरना कभी तुमसे बात करते करते सारा काम खराब हो जाए, मिलते हैं अभी सीधा कॉलेज में आपको। ये देखो कनेक्ट होते ही सही हो गया समय, भाई स्पेस तो मिल गया आज, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गया मैं, फटाफट से निकलना पड़ेगा मुझे, बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया। ये देखो पीछे से चेक करो तुम ग्राफी गिरा हो, और कार की पार्किंग हेरी ग्राफी गिरा की छोटी सी दूसरी जगह मैंने नहीं, जैसे तैसे करके आज हम दो ही आए हैं, एक ही एक सामने बैठा हुआ है, कौन है भैया जानते हो क्लास के हमारी बार पोंपो बज रहा है, दरअसल सिलेबस सबका पूरा हो गया तो इसलिए एंट्री मिली जाती है। कितने मिनट पहले आया, 10-12 मिनट पागल है क्या, 8 मिनट पहले आया, या फिर 6 मिनट, 44 हो गए। अटेंडेंस तो चेक कर रहा भाई, तो अपने कम है ना भाई, कम है कितनी है दिखा, 60 तो बहुत है, मेरे तो इससे भी कम हो गए। अगर मैं हॉल में आ गया क्या देख रहे पीछे से आगे से देखिए हमको अमर भाई, अमर भाई क्या हाल है, क्या कह रहे हो, कैप्चर नहीं करना, क्यों शर्माते हो, कैमरा चाहिए, ओहो बत्तर खिंड गए यार भाई। प्रेजेंटेशन थी, मुझसे बातों में लग गया, लेकिन मुझे ये नहीं बता रहा कि प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है, कह रहा हाँ ये वाला पढ़ना था, कैसा आदमी है यार लाला तू, ऐसे सॉरी से काम नहीं चलेगा ना, आप देखते तो छुट्टी का टाइम हो गया भाई सर आ गए थे इसके पास सुनने के लिए, एकदम से टाइम हो गया, बच गया बेटा तुम आज, बच गया लौटना, दूसरी टीचर आ गई भाई, तुम शांत है, मैं आज ही पता चला यार, टीचर भी हमसे पूछ रही है कि तुम आज कल शैतानी नहीं कर रहे क्लास में, बड़े हो गए क्या, हम सिंसियर हो गए क्या, यस हम पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं अब हम शायद, और पढ़ क्या रहे हैं, नोट्स तो हमारे कंप्लीट ही नहीं है, सिंसियर हो गया लगता है, शीशे में देख तो लाला खुद को चलते हुए, क्या कर रहे हो तुम क्लास में बैठ के, टीचर हमारी शरारत मिस कर रही यार, इट्स गुड, जाना नहीं है भाई तुम्हें ऊपर वॉशरूम, गाइस वॉशरूम देख लो तुम, ग्राफिक गिरा के शीशे गंदे ही पड़े रहते हैं यार वैसे हम बाहर आए क्यों थे बे, ऐसे ही गाइस ब्रेक हो गया यार, ब्रेक हो गया, और आज हमारा एस्थेटिक नहीं आया, कबूतर ओए कबूतर नीचे जाने का तो मन कर नहीं रहा यार, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा मेरा नीचे जाने का, धूप में रहोगे, धूप की रिक्वायरमेंट भी नहीं आज तो, हाईनेक भी नहीं पहनी मैंने, कबूतर देखो यार तुम कितने, थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा ऐसे हाथ हाथ कर लेना बस धूप में, ठीक है यार बच्चे पूछते हैं ग्राफिक ग्राम में एडमिशन ले ना ले भाई, मत लो ना मत लो, क्यों भीड़ बढ़ा रहे हो, बहुत लड़कियां आया सॉरी मतलब बच्चे सिर्फ सुंदर सुंदर बच्चे ग्राफिक ग्राम में एडमिशन लेंगे, वरना कोई नहीं लेगा, हाँ भीड़ तो बहुत है, बहुत ज्यादा, एक्सप्लोर करो यार और कहीं एक्सप्लोर करो, बहुत दुनिया है देखने के लिए, मेरा दुनिया थोड़ी रह गया है गाइस। ये देखो हमारा DALLA अब आया है यहाँ पर, और मुझे पता है कह रहा मैं नानी के घर हूँ, वाओ तू नानी के घर है तो मतलब नाना का है, ऊपर भी टपका तू, लड़ते रहते हैं गाइस हमेशा ये दोनों, एक ये जा रही इसकी बहन, ये इसकी भाई, सॉरी बहन बहन भाई भाई कुछ भी, अरे बियर्ड आ गई तेरी तुझसे कटा क्यों नहीं रहा, दिखा दो इतनी बड़ी हो गई है बियर्ड तेरी, इसे कटा तो ले, नहीं कटा भाई यार ये अपनी बियर्ड नहीं कटा रहा यार, पता नहीं क्या हो गया इसे भाई, हमें बुरा लग रहा है इतनी बड़ी बड़ी बियर्ड आ गई तेरे, देख ना मुछे देख मुस्टैश देख, ये ताओ भी तेरा भाई, ओवर होगी ब्रेक, ओवर होगी ब्रेक, क्लास कह रहा था मैं, और ये देख रहे हो कुत्ता आदमी, तो ये बता तूने हमसे झूठ बोला क्यों था, प्रैंक कर रहा था प्रैंक, ना यार मैं झूठ बोल सकता तुम लोगों से, क्यों मैं तुम लोगों से ना झूठ बोल सकता है, हां हां आज देख लिया हमने कितना सच्चा है तो कितना झूठा है, तो अलग कमाल, अब ऐसा कर रहे हो, बच्चे कह रहे हैं कि भैया कॉलेज के ब्लॉग दिखाओ, अभी इन्हें कॉलेज के ही दिखाएंगे, ठीक है कॉलेज के स्लेट दिखा देंगे इन्हें अब पूरी, अबे यार क्लास में टीचर आ गए इसलिए तो बाद में देखना, थोड़ी देर के लिए बाहर आए हैं, और हमारा जो एक दोस्त है ना वो यहाँ पे गया हुआ है मूड कोर्ट में, क्यों गया है क्या लगता है लाला तुझे, मैं
रीजन ओनली ये चेक मारो तुम भाई। गाड़ी में आकर बैठा, हालत सेट हो गई, इतनी गर्मी कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर मैंने जो है ये खिड़की खोल ली है, इधर से देखो, और ये शीशे भी खोल लिए ताकि थोड़ी देर इसकी हवा बाहर जा सके। अब इसे बंद कर लेता हूँ और अब ठीक हो जाएगा मामला। यार अलीशा के लिए स्केटिंग की दुकान देखनी थी, पर पीछे तक पूरी दुकान देख आया मैं, कहीं भी नहीं मिली मुझे। अभी इधर देखता हूँ आगे, अगर कहीं मिलती है इन वाली दुकानों में देखता हूँ, अगर इनमें मिल जाए तो। ये स्टोर मिल ही गया है मुझे, यहाँ भी नहीं है यार। अब यहाँ पर आया हूँ, देखता हूँ मिलती है नहीं मिलती है, जा तो रहे अंकल चेक करने। भाई मैं छांव में खड़ा हुआ था, तो लेकिन ऐसे दोस्त होने भी जिंदगी में बहुत जरूरी है। देख रहे हो तुम कैसे हेल्प कर रहे हो। खैर ऊपर वाले का शुक्र है, कभी तुम्हारे भाई को इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने दोस्ती नहीं बनाया ज्यादा। भाई आज इतने दिनों बाद जो है स्कूटी से जा रहा हूँ कोचिंग, क्योंकि बुलेट का जो है साइलेंसर ऐसा ही है, तो पुलिस वाले आजकल ऐसे ही बिल्कुल खाने के लिए तैयार बैठे, तो मैंने कहा क्यों खिलाए इन्हें, तो इसलिए स्कूटी से जा रहा हूँ। लेकिन कहीं इसी से ना फंस जाऊँ, पर देखते हैं जो भी होगा देख लेंगे, जैसा भी बनेगा है ना। लोग मुझे इस टाइम ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं कुछ पाप कर रहा हूँ। आँख में जो है पंछी चला गया, यहाँ था मैंने ऐसे किया और सीधा आँख में चला गया। मैंने कहा यार क्या ही बोल दो, फिट है। कैसे चिल्लाती हुई जा रही है लड़कियाँ भी, देख रहे हो। गर्मी में ऐसा मत करो यार, और ये पंछी ने मेरी हालत खराब कर दी। ये बेचारी रोती रोती जा रही है, देखो चला नहीं जा रहा, रोती रोती जा रही है जेट यार। ये हमारी मैम मुझे रोका और मुझे रोक के कहा कि कुछ काम था, मुझे लगा कुछ इम्पोर्टेंट काम हुआ, कह रही चला रेस करे, मैं स्कूटी लाया तो।